हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पांडा वेब, और मैं हूं आपका दोस्त राणा। दोस्तों, अगर आप रेलवे स्टेशन पे किसी को ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं या किसी को रिसीव करने के लिए आए हुए हैं, तो प्लेटफॉर्म के अंदर जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट की ज़रूरत होती है, जिसे आप काउंटर पर जाके लेते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा, UTS ऐप के बारे में, जिसकी हेल्प से आप खुद के लिए प्लेटफॉर्म टिकट अपने मोबाइल से ही बुक कर सकते हैं, और साथ में आप इस ऐप की मदद से अपने लिए लोकल ट्रेन के टिकट भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, और यहाँ पे मैं इस UTS ऐप की मदद से अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं UTS ऐप की मदद से आप किस तरीके से अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोन में और देखते हैं UTS ऐप की हेल्प से आप किस तरीके से अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, UTS ऐप को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेलवे का आइकन के साथ में है, यहाँ पे इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस ऐप को ऑलरेडी अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसके बाद जब आप इसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UTS का डैशबोर्ड आ जाएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं बुक टिकट का, कैंसिल टिकट करने का, बुकिंग हिस्ट्री चेक करने का, वॉलेट का, प्रोफाइल का, हेल्प का, ये सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें टिकट बुक करना है प्लेटफॉर्म टिकट, तो हम बुक टिकट पे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेंगे। बुक टिकट के बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म टिकट का, सीजन टिकट का, इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप यहाँ से लोकल टिकट भी बुक कर सकते हैं, तो नॉर्मल बुकिंग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सबसे पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के बाहर हैं, तो हम लोग इसे सबसे पहले जो ऑप्शन है बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, तो इसे हम लोग क्लिक कर लेंगे। इसके थ्रू आप लोकल टिकट बुक कर सकते हो। फ्रॉम स्टेशन और टू स्टेशन, तो यहाँ पे आपको एंट्री डाल देनी है, जो आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है उनका लिस्ट यहाँ पे शो कर जाएगा, आप किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ से डाल सकते हैं। बट अभी हम लोग करने वाले हैं प्लेटफॉर्म टिकट बुक, तो हम लोग जाएंगे प्लेटफॉर्म टिकट ऑप्शन पे, और इसके थ्रू हम लोग अपने लिए प्लेटफॉर्म के टिकट बुक करने वाले हैं। यहाँ पे भी आपको सेम दो ऑप्शन मिलता है, बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस और बुक एंड प्रिंट पेपर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी ये आपके लोकेशन को फैच करके जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वहाँ की लिस्ट यहाँ पे शो कर देती है, और उसके बाद यहाँ से हमें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जो प्राइस है, टिकट फेयर आपको यहाँ पे दिखा दिया, और पेमेंट टाइप आपसे पूछ लेगा कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, ये इसके खुद के वॉलेट के थ्रू करना चाहेंगे या किसी गेटवे के थ्रू करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पे अपना गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप बुक टिकट कर सकते हैं। बुक टिकट करने के लिए आपको चाहिए कि आपकी आईडी इस पर हो, तभी आप बुक कर सकते हैं। आईडी काफ़ी इजीली इस पर आप बना सकते हैं, मेरी ऑलरेडी आईडी है, तो मैं सिंपल इस पर लॉगिन कर लूँगा और उसके बाद अपनी प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बुक टिकट पर क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन आ गया है। ये तीन टाइप के यहाँ पे गेटवे प्रोवाइड करता है, पेटीएम का, मोबीक्विक का और फ्री चार्ज का। तो यहाँ पे मैं पेटीएम के गेटवे को यूज़ करके अपने लिए पेमेंट करूँगा। यहाँ पे मैं अपने फ़ोनपे UPI आईडी के थ्रू यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस करूँगा, तो यहाँ पे जो मेरे फ़ोनपे की आईडी है यहाँ पे मैं एंटर करके और नेक्स्ट, इसके बाद जो मेरे फ़ोनपे का अकाउंट है वहाँ पे एक रिक्वेस्ट जाएगा, और वहाँ से मुझे पेमेंट को ओके कर देना है, और मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो मैं अपने फ़ोन से बुक कर सकता हूँ। रिक्वेस्टेड बाई IRCTC UTS के थ्रू आ चुका है, और 10 रुपये का टोटल अमाउंट है, और मैं यहाँ पर सिंपल पे कर दूँगा और मेरी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है, और जो मेरी टिकट है वो बुक हो चुकी है। यहाँ पे आप अपने UTS अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। बट दोस्तों, जो UTS का यहाँ पे टिकट है प्लेटफॉर्म, ना तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना किसी को शेयर कर सकते हैं, बस आप इसे अपने लिए ही यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि UTS ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन से खुद के लिए प्लेटफॉर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।